हेलो माय डियर लवली एंड क्रिएटिव फ्रेंड्स, वेलकम टू अंजुम आर्ट एंड क्राफ्ट। और मैं अंजुम आज आपके लिए लेके आई हूँ बड़ा ही प्यारा सा वॉल डेकोर आइडिया, जो कि टोटली वेस्ट से बना है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने एक कार्डबोर्ड ले लिया है 15 cm x 32 का, और ये मैं कुछ नैपकिन पेपर ले रहे हैं, टिश्यू पेपर भी इन्हें बोलते हैं, और इन्हें मैं रेंडमली टियर कर ले रही हूँ। और मैंने एक स्पून फेविकोल और 2-3 स्पून वाटर का एक मिक्सचर बनाया हुआ है, जिसमें ब्रश की हेल्प से लगाते जा रही हूँ बेस पे, और ऊपर ये मैं पेस्ट करती जा रही हूँ। ध्यान रखिए, इसमें हमें फ्लैट ब्रश का ही यूज़ करना है, और सिंगल सिंगल कोटिंग करके आप इस तरह से पूरे कार्डबोर्ड पे, जो ये रेक्टेंगुलर बेस है, इस पर हम पूरा पेस्ट कर देंगे। इसे थोड़ा ध्यान से करिए कि इसके कोई भी कॉर्नर्स, एजेस कुछ बचे ना, और पूरी तरह से पेस्ट हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे मेरे आगे आने वाले अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। ये देखिए, करके मैंने छोड़ दिया है इसे ड्राई करने के लिए। अब मैं एक न्यूज़पेपर का स्ट्रिप काट रखा है मैंने, और इसे मैं एक वुडन स्टिक से रोल कर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पतली पाइप चाहिए है, जो हम रोल स्टिक्स बनाते हैं, पेपर स्टिक्स, मुझे बहुत पतली चाहिए है वो। तो मैं इसे बना ले रही हूँ, और इसको बनाने के बाद मैं इसमें पर्ल ब्लैक मेटालिक कलर्स होता है, जो ब्लैक मेटालिक कलर, वो कलर कर दे रही हूँ। ऐसे मैंने 5 से 6 बना के रखे हुए हैं। ये देखिए, ग्लूगन की हेल्प से रेंडम पेस्ट कर रही हूँ। जैसा हम एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में हम जब टेप लगाते हैं या एब्स्ट्रैक्ट लुक बनाते हैं, उसी तरह से मैं यहाँ एक पैटर्न क्रिएट कर रही हूँ। आप आगे इसे देखेंगे, जब इस पैटर्न पे हम आगे वर्क करेंगे, इट लुक ऑसमली ब्यूटीफुल। ये देखिए, पूरा लग गया, और ये लगकर रेडी है। ये देखिए, अब इट इज़ रेडी। अब मैं इसके बाहर वाले जो एजेस है उनको फिनिशिंग दे रही हूँ। कार्डबोर्ड की स्ट्रिप मैंने ले ली है, और ग्लू गन की हेल्प से ही मैं इसके चारों तरफ पेस्ट कर दे रही हूँ। क्योंकि ये वॉल डेकोर आइडिया है, अगर पीछे हम ये नहीं लगाते हैं तो हम इसे वॉल पे पेस्ट करना या हैंग करने में हमें प्रॉब्लम होगी, और इससे ये बॉक्स बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है गाइस, इसीलिए इसे ज़रूर कंप्लीट करिएगा इस स्टेप को। ये जो महंगे, बहुत ही एक्सपेंसिव हम मार्केट से वॉल पीसेस लाते हैं, वॉल हैंगिंग्स लाते हैं, और उन्हें हैंग करते हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं। ये ज़ीरो कॉस्ट आइडिया है, आप इसमें सिर्फ थोड़ी सी क्लीननेस रखेंगे तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल बन के रेडी हो जाता है, और कोई बिलीव भी नहीं करता है कि आपने ये वेस्ट से बनाया हुआ है। ये देखिए, ये बन के रेडी है। नाउ मैं इस पर पर्ल मेटालिक कलर्स जो हैं, जो भी कलर्स मेरे पास अवेलेबल थे, मैं वो कर रही हूँ। आपके पास जो हैं आप उन्हें यूज़ कर लें, और कुछ लाइट और डार्क शेड्स की हम कोटिंग कर देंगे इनमें, इससे ये बहुत ही प्यारे लगेंगे। और जब ये बनके पूरा रेडी होगा तब आप इसका एक लुक देखेंगे। ऐसे आपने 2-3 पीसेस बनाने हैं, और उन्हें आप डेकोर करें अपने वॉल पे, किसी को गिफ्ट करें, और आप देखेंगे कि ये आपकी घर की इनर ब्यूटी को और इन्हेंस कर देता है। ये सारे ही पर्ल मेटालिक कलर है, क्योंकि गाइस मैंने पर्ल मेटालिक इसलिए लिए हैं क्योंकि ये ग्लेजी होते हैं, इनमें शाइन होती है, और शाइन की वजह से ये जहाँ भी लगे होते हैं बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रहे होते हैं। इस आइडिया को बनाने में, DIY करने में, मैंने कुछ भी बाहर से नहीं लाया है गाइस, घर से ही रेडी किया है। ये देखिए, मैंने 3 पीसेस बनाए हैं सेम साइज के, और मैंने अपनी वॉल पे लगा दिया है। और होप आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आई है, इसे लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और फिर मिलते हैं, बने रहें मेरे चैनल पर। फिर मिलेंगे मैं अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।